भी तो है ना। जी गुरु जी, जी मंत्र संख्या 18 जी। ओम आपह चित्त पियू स्तरियो न गावो नक्षम लितम चरिता रहतेन्द्र याही वायु न नियुतो नो अच्छा तुम ही दीवी जैसे विजानान विवाजान। मंत्रार्थ, इंद्र हे परमेश्वर, हे परम ऐश्वर्य युक्त, ते तुम्हारे जरितारह स्तुति करने वाले गावो शब्दों के न समान स्तरियो विस्तार योग्य रितम रित को नक्षण प्राप्त करते हुए आप व्यापक चित्त ही पेयु पिपियु बढ़ते हैं पान करते हैं नो हम लोगों को वायु प्रवाह सृजनशील के न समान नियुतो नियुक्त अच्छा अच्छे प्रकार या ही गमन प्राप्त कराएं। तुम ही का अर्थ ही दीवी बुद्धियों से भी विशेष वाजान बल प्रगति जैसे देते हो। भावार्थ, परमात्मा की स्तुति करने वाले उपासक व्यापकता का ही पान करते हैं, संकीर्ण स्वार्थ से परे होते हैं। हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा है परमात्मा उसे वायु की भांति नियुक्त करता है। जिस प्रकार वायु सर्वत्र सुलभ है परमात्मा की कृपा से हमारे लिए जो कुछ आवश्यक तथा अच्छा है सर्वत्र सुलभ होता है। हमको सब कुछ बुद्धि विवेक से ही प्राप्त हो सकता है, यही परमात्मा की रित अर्थात सर्वव्यापी सार्वभौम सृष्टि संचालन की व्यवस्था है। विशेष आप धातु के अर्थ व्यापक व्याप्त होना अवलंब आलंब होना है। पी धातु के अर्थ पीना सूखना है। स्त्र धातु के अर्थ पूर्ण करना आच्छादित करना फैलाना है। भू धातु का अर्थ शब्द करना मनन करना है। जय धातु का अर्थ जीर्ण होना वृद्ध होना पुराना होना स्तुति करना है। अतः जरितारह पद का अर्थ स्तुति करने वाले भी किया गया है। वज्र धातु का अर्थ गति करना बल होना है। गति अर्थ वाली धातुओं में ज्ञान गमन प्राप्ति के अर्थ स्वाभाविक रूप से माने जाते हैं। अतः वाजान का अर्थ विद्वानों ने विज्ञान भी किया है। गति बल का कारक होने से वाज का अर्थ अन्न भी किया गया है। निरुक्त, इंद्र में इंद्र धातु परमेश्वर होना। जरितारह जय धातु स्तुति करना वृद्ध होना जीर्ण होना। गावो में गु धातु शब्द करना। स्तरियों में स्त्र धातु आच्छादन करना पूर्ण करना। रितम में रि धातु जाना चलना संचालित करना। नक्षण में नक्ष धातु जाना आना पहुंचना। आप है मैं आप धातु व्याप्त होना जाना पाना अवलंब होना। पिपियों में पी धातु पीना पान करना। वायु में वे धातु जाना उड़ना। वा का अर्थ गति करना गंध होना प्रवाहित करना। वी का अर्थ जाना व्याप्त होना इच्छा करना भेजना खाना। वे का अर्थ बुनना रचना करना सृजन करना। नियुतों में नी उपसर्ग यू का अर्थ मिलाना अलग करना। अच्छा अव्यय भी हो सकता है वह है उपसर्ग जिच्छ देना। छो का अर्थ छेदना काटना। अच्छ का अर्थ अच्छा होना सुष्टु होना उत्तम होना। याई में या का अर्थ जाना। दीवी में दी का अर्थ धारण करना बुद्धि होना। वजान में वज का अर्थ गति करना बल होना। जैसे में दे धातु का अर्थ देना। ओम खंद्रम। ओम खंद्रम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र अष्टादशाह 18वां मंत्र। ॐ आपः चित्पिपिउस्तर्यो न गावो नक्षं ऋतं जरितारहते इन्द्र याहि वायु न नियुतो नो अच्छा
तुम ही धीभि दय से विभाजान। आपह आप हम लोग अर्थ को जिस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस आप में प्रा उपसर्ग लगा तो प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया। वी उपसर्ग लगा तो व्याप और व्याप्त हो गया। आपका अर्थ इससे स्पष्ट हो, वी उपसर्ग के साथ व्याप्त व्यापक, प्रा उपसर्ग के साथ प्राप्त। तो जो आप मूल शब्द है, इसकी मूल धातु जो आप है, उसका अर्थ इसी से स्पष्ट है। ये जो व्याप्त होने का भाव है, आप धातु का अर्थ व्याप्त होना, गति करना, पाना आदि है, प्रा के साथ प्राप्त हो ही जाता है, तो पाना प्राप्त करना हो गया। ये जो व्याप्त होने का गति करने का भाव है, यह सामान्यता द्रव पदार्थों में जो फैलने का भाव है उससे भी जोड़कर देखा गया। व्याप्त होना, फैल जाना के अर्थ में भी ग्रहण किया गया। इसलिए कहीं कहीं अपह आपह का अर्थ जल भी कर दिया जाता है। भावार्थ है, भावार्थ करने में इतनी छूट हो सकती है, शब्दार्थ नहीं बदलेगा, वही रहेगा। हम आपको यही बता रहे हैं, आपह ये तो मानकर ही चलें कि आध्यात्मिक अर्थ में आपा का अर्थ व्यापक, ईश्वर का गुणवाची नाम, हम आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर को ही संबोधित करते हैं वेद मंत्रों में। इस प्रकार से जो भी गुणवाची देव तुल्य अर्थ आते हैं, चित अव्यय के रूप में ही का अर्थ है और चित धातु का अर्थ चेतन है, जैसा होगा ग्रहण कर लेंगे। पिप्यू में पी धातु पीना, पीपिप धातु का अर्थ पीना है, सामान्यता जानते हैं। तो आपह जो ये व्यापकता है, इस संकीर्ण अर्थों में जल ले तो भी कह सकते हैं पिप्पी हु, पीने वाले, पीने योग्य, इतना कर सकते। हमारे लिए जो व्यापकता का भाव है वह पीने ग्रहण करने योग्य है। इस व्यापकता के भाव को हमें ग्रहण करना है, धारण करना है, इसी का पान करना है। इस तरियो न गावो, इस तरियो में स्त्र धातु है, आच्छादन करना, पूर्ण करना। अब ये स्त्र से स्तर और भी उपसर्ग लगा दीजिए तो बन गया विस्तर। ये विस्तर शब्द को समझें, आच्छादन करना, आच्छादन किया जाता है। तो स्त्र धातु आच्छादन करना, स्तरियो का अर्थ है आच्छादन योग्य, जिसे आच्छादित करना हो या जिससे आच्छादन किया जाए। स्तरियो न गावो, न का अर्थ यहां पर समान के अर्थ में है, उसके समान, उसके जैसा, इस अर्थ में इसे ग्रहण कर सकते हैं। स्तरियो न गावो, इस आच्छादन के समान गावो अर्थात वाणी, भू धातु का अर्थ शब्द करना। तो जो शब्द है, वाणी है, वह आच्छादन विस्तर के समान, जो हमारी वाणी है
यदि यह उत्तम वाणी है, वेद वाणी है, वेद की अनुकूल वाणी है, समाज के अनुकूल वाणी है, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके अनुकूल है, यदि हम लोगों के अनुकूल बोलते हैं तो वो आच्छादन का कार्य करे, वे हमको आच्छादित करके रखे तमाम अनेक संकटों से, द्रव संधियों से, दुखों से बचाए। यदि वाणी ठीक न हो, हम कट वचन बोलते रहें, तो दुख कष्ट संकट आना स्वाभाविक है। तो कहते हैं आपाचित पिप्यू स्त्रियो न गावो, हमें व्यापकता का पान करना है और व्यापकता को ग्रहण करके हम जो वाणी बोलें वह आच्छादन करने वाला हो, वह वाणी वह वचन आच्छादन करे, समाज को आच्छादित कर ले। अच्छी वाणी है, उत्तम विचार है, उत्तम शब्द है, तो समाज को आच्छादित कर ले और हमको आच्छादित कर ले, हमारा कवच बन जाए, दुख संकट तनाव से हमको बचाए, उत्तम वाणी है, तो वह हमारे लिए इस प्रकार से सुरक्षा चक्र आच्छादन का कार्य कर सकता है। सुरक्षा है तो आच्छादन का कार्य कर सकता है। नक्षन ऋतम जयतारते इंद्र, नक्षन ऋतम, ऋतु को नक्षन, नक्ष का अर्थ जाना आना पहुंचना, गत्यर्थक धातु है नक्ष भी, नक्षन ऋतम ऋतु को जाते हुए, हमें जाना कहाँ है, ऋतु को जाना है, ऋतु की ओर ही जाना है, ऋतु के विपरीत नहीं जाना है। ऋतु की चर्चा हम लोगों ने की है, जो सृष्टि के प्रकृति के संचालन के मूलभूत नियम है वे ऋतु हैं, उस ऋतु का उल्लंघन संभव नहीं है, उसके अनुकूल चलेंगे तो सुखी रहेंगे, ऋतु का उल्लंघन संभव तो है ही नहीं, यदि हम उसका उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे तो कष्ट पाएंगे। और यदि इस बात को हम नहीं समझ पाए कि ऋतु का उल्लंघन संभव नहीं है, तो लोग भ्रमित कर सकते हैं कि वैसा चमत्कार करते हैं, वैसा चमत्कार दिखाते हैं, इन चमत्कारों के माध्यम से लोग हमको भ्रमित करके भी ठग सकते हैं, तो हम ऋतु की ओर जाने वाले हों, इस ऋतु को समझें कि ऋतु का उल्लंघन संभव नहीं है, तो हम उल्लंघन करने का प्रयास ना करें, और ये भी जाने कि इसका उल्लंघन संभव नहीं है, कोई भी कर नहीं सकता, ऋतु के विपरीत कोई तथा कथित चमत्कार कर नहीं सकता, तो हम भ्रम से बचेंगे, ठगों से बचे रहेंगे। नक्षन ऋतम ऋतु को जाते हुए, जर तारा ते इंद्र, जर तारा है स्तुत करता, गिरी धातु का स्तुत करना भी है, ते तुम्हारे इंद्र, हे इंद्र, हे परमेश्वरवान परमेश्वर, कह रहे हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर, जो तुम्हारे स्तुत करता है, वो ऋतु की ओर जाने वाले हैं, वे व्यापकता को पीने वाले हैं और वाणी के समान आच्छादन करने वाले हैं, जैसे उत्तम वाणी हमको सुरक्षा का आच्छादन प्रदान करती है, ऐसे परमेश्वर के स्तुतकर्ता उपासक समाज को विद्या का, सद्भाव का, सन्मार्ग का आच्छादन प्रदान करते हैं, समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सदुपदेश के द्वारा, उत्तम मार्ग दिखाने के द्वारा समाज को भी वे आच्छादन सुरक्षा प्रदान करते हैं। या ही वायु नन युतो नो अच्छा तुम विदेवी दैसे विभाजान, या ही जाइए, या धातु का अर्थ जाना, या ही जाइए, वायु ना वायु के समान, नियुतो नियुक्त, वायु किन धातुओं से कैसे बना है अभी भैया ने पढ़ा, अनेक धातुएं हैं,
उन सबके अर्थ इस वायु शब्द में निहित हैं। वायु ना वायु के समान नियुतो निजित में नि उत्सर्ग और यु धातु का मिलाना अलग करना तो निश्चित निरंतर युक्त करने वाले नो हमको हमारे लिए अच्छा हमारे लिए निरंतर अच्छे को मिलाने वाले हैं वायु के समान। उन पर जाइए उनके पास जाइए वायु के समान निश्चित रूप से निरंतर अच्छा मिलाने वाले वायु जीवन के लिए अनिवार्य है उपयोगी आवश्यक तो छोटी बात है वायु के बिना तो जीवन संभव ही नहीं होता। तो वायु तो बहुत ही अनिवार्य तत्व तो है जीवन के लिए। कहते हैं वायु न नहीं तो वायु के समान जैसे वायु हमको प्राणों से जीवन से मिलाकर रखता है वायु न हो तो ये जीवन ये प्राण छूट जाएं वैसे ही अच्छी प्रकार हमको निरंतर मिलाकर रखें तुम ही धी भी तुम ही धी भी धी द्वारा भी बहुवचन है तृतीया करण कारक अर्थात धारणाओं द्वारा धी धातु का अर्थ धारण करना धी का अर्थ बुद्धि भी किया जाता है। सारी जानकारियां विचार हम बुद्धि में ही धारण करते हैं इसलिए बुद्धि को धी भी कहा गया तो ठीक है इस प्रकार से कह सकते हैं। अब यहां धी भी कहा गया है बहुवचन में तो बुद्धियों द्वारा बुद्धि अनेक होती है। अब यह एक अलग प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा क्या हमारे पास अनेक बुद्धियां होती हैं इस बुद्धि से ये कार्य करें उस बुद्धि से वो कार्य करें। तो इसीलिए हमने कहा भाई धातु अर्थ ग्रहण कर लें धी धातु का अर्थ धारण करना है मुख्य अर्थ धातु अर्थ तो धारण करना ही तो धारणाओं द्वारा धारण करने की सामर्थ्यों द्वारा शक्तियों द्वारा यह अर्थ बिल्कुल उपयुक्त है इसमें अनेक बुद्धि होने की समस्या नहीं आएगी। तो तुम ही धीवी तुम ही धारणाओं द्वारा दया से देते हो भी विशेष उपसर्ग है वाजान बाजों को तुम ही धारणाओं द्वारा विशेष वाजों को देते हो। वज धातु का अर्थ गति करना मुख्य अर्थ यही है वज धातु का अर्थ गति करना बल होना भी अर्थ होता है कि गतिशीलता बल के बिना कैसे हो कहीं कहीं इसका अर्थ अन्य कर दिया गया है भावार्थ उस विद्वानों ने कहीं कहीं इस वाज का भावार्थ अन्य कर दिया है क्योंकि अन्न से ही शरीर को बल प्राप्त होता है उससे गति होती है तो भावार्थ कहीं अन्य कर दिया गया है इस रूप में उसे स्वीकार कर सकते हैं। ये हम आपको इसीलिए बताते हैं कि अनेक विद्वानों ने जो इस प्रकार के भावार्थ किए हैं उनको देखकर आप भ्रमित ना हो विचलित ना हो कि इन्होंने तो ऐसा लिख दिया इन्होंने ऐसा लिख दिया इन्होंने ऐसा लिख दिया तो इसमें से सत्य क्या है। हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि वे सभी हमारे पूज्य विद्वान हैं असत्य किसी ने नहीं लिखा है हमें समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। बस मुख्य बात यही है कि धातु अर्थ का सिद्धांत आप समझ गए तो ये देख लें उस शब्द की धातु क्या है और धातु के अनुसार क्या क्या अर्थ संभव है फिर प्रयास करें जो उन्होंने ये भावार्थ किया है ये भावार्थ कैसे तो सभी के भावार्थ का ऐसा कोई तर्कसंगत कारण मिल जाएगा। सभी लोगों ने अपनी देशकाल परिस्थिति के अनुसार वेद का भावार्थ भाष्य करने का प्रयास किया है वे सभी विद्वान हैं हमारे लिए पूज्य हैं। बस यही है
वो विद्वान थे, उनके साथी सहयोगी विद्वान थे, तो प्रत्येक शब्द में धातु बताने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने माना इतना तो लोग जानते ही हैं, उन्होंने जो भावार्थ पे समझा वही लिखकर आगे बढ़े। अब संस्कृत भाषा का ही इतना प्रचार नहीं है, वैदिक भाषा को कौन जानता समझता है, इसलिए हमको ये श्रम करना पड़ा कि प्रत्येक शब्द में धातु स्पष्ट कर दो, जिससे ये सभी अर्थ समझ में आ जाएं। जैसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और समाजी विद्वान थे, वरिष्ठ पदों पर रहे, वेद का उन्होंने पर्याप्त अध्ययन भी किया और समाज का जो भाष्य है उनके पास था उसे उन्होंने पढ़ा। हाँ, और समाज का ही भाष्य पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। और समाज और दयानंद में कट्टर आस्था जिसे आप कह सकते हैं, पूर्ण कट्टर आस्थावान और समाजी दयानंद को बिल्कुल परम पूज्य मानने वाले, ये पृष्ठभूमि बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उनका जो प्रश्न था वो ये कि भाई ये समझ में नहीं आता कि इंद्र शब्द का कहीं राजा लिख देते हैं, कहीं मंत्री लिख देते हैं, कहीं सेनापति लिख देते हैं, तो ऐसा कैसे क्यों होता है। मैंने कहा भाई ये अर्थ अलग अलग दिखते हैं, है नहीं। इंद्र शब्द का अर्थ न राजा है, न मंत्री है, न सेनापति है, ऐसा कुछ नहीं है। इंद्र शब्द का, इंद्र का शाब्दिक अर्थ है परम ऐश्वर्यवान। अब वो परम ऐश्वर्यवान राजा होता है, मंत्री होता है, सेनापति होता है, या और भी कोई पूंजीपति हो सकता है। तो ये इंद्र के भावार्थ विशेष प्रसंग के अनुसार, विशेष उद्देश्य से विशेष प्रेरणा देने के लिए विद्वानों ने किए हैं। इंद्र का शाब्दिक अर्थ परम ऐश्वर्यवान सभी ने किया है, बस ये स्पष्ट प्रत्येक स्थान पर नहीं किया कि जहां भी इंद्र शब्द आए वो ये लिख देते कि भाई ये इंद्र शब्द इद इंद्र धातु से बना है जिसका अर्थ है परमेश्वर्य होना, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वर्यवान। अब परमेश्वर्यवान होने के कारण यहां पर हम राजा, यहां पर मंत्री, यहां पर सेनापति लिख रहे हैं, इतना उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ये आपके विवेक पर छोड़ दिया, कितने विवेकशील तो आप भी होंगे जब वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हमें यह प्रयास करना पड़ा, चूंकि हमारे आसपास सामान्य विद्यार्थी हैं जिनका संस्कृत वेद से कोई विशेष संबंध नहीं था, तो इस कठिनाई को अनुभव करते हुए जब ऐसे ऐसे वरिष्ठ गंभीर लोगों के इस प्रकार के प्रश्न थे तो साधारण विद्यार्थी कैसे समझेंगे। तो हमने ये प्रयास किया कि प्रत्येक शब्द में धातुवाद स्पष्ट कर दिया जाए तो अर्थ स्पष्ट हो, ये कोई भ्रम ना हो। हमारे जो पूज्य महर्षियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं उनका रहस्य आप समझ सकें। यहाँ पर हम आज अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आगे आपका जो भी प्रश्न हो, विचार हो, रख सकते हैं। ओम खम खम। भाई पुलकित, देखो कोई प्रश्न हो तो आगे जो भी करना है पाठ समापन कर सकते हो। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा पाठ करते हैं। ठीक है, तो पाठ करते हैं। ने स्वाहुत प्रिया सह संतु सूरय
यंतारो ये मघवानो जना नाम उर्वान दयंत को नाम। करते रहिए। ओम सूरी शुक्र वहिनी देवी अग्ने सया भवि आसीदंतु वहिंषि मित्रो अर्यवा प्रातः यावाणो अध्वरम्। ओम विश्वेशाम आदित्यज्ञानाम्। विश्वेशाम अति मनुष्यनाम अग्निम देवानाम अवा अव्रणाम सुरड कीडियो सुमरड सुमरडी को भवतु जात वेदा। महो अग्नि समीघानस्य शर्मणि अनागामिते वरुणे स्वस्तये ज्येष्ठे श्याम सवितुः सवीमनि तत्देवानाम् अवदो अवो अदा वृणीमहे। त्वे अग्ने सुवाहुत प्रियासः सन्तु सूर्यः यन्तारो ये मधवानो जनानाम् उर्वान् दयन्त गो नाम। ओम खम्रम। पुल के समापन करो। ठीक है, तो किसका प्रश्न नहीं है तो समापन ही करते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम्ब्रम ओम खम्ब्रम। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम्ब्रम ओम खम्ब्रम। सबको सादर नमस्ते। आदित्य परसः सो असो अहम् ओम खम्ब्रम ओम खम्ब्रम। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम्ब्रम ओम खम्ब्रम। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते ओम खम्ब्रम। सभी को सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं इस वेद कक्षा में। ओम नमस्ते ओम स्वस्ति ओम खम्ब्रम ओम खम्ब्रम ओम।